Alright, what's up guys? So this is Vipin Raj and today we are training legs. So ये पूरी की पूरी लंबी वीडियो होने वाली है लेग डे की. दिस इज़ अ कम्प्लीट वीडियो एंड यू मस्ट हैव सीन दिस वर्कआउट ऑन माई इंस्टाग्राम ऑल्सो इन शॉर्ट. बट इन दिस होल वीडियो आई एम गोइंग टू शो यू फ्रॉम द वार्म अप टू द वेरी एंड टू माई पोस्ट वर्कआउट मील. सो दिस इज़ माई वार्म अप लाइक बेसिक स्ट्रेचेज. और मैं पूरा लाइक हेड टू टो स्ट्रेचिंग करता हूँ जब तक मुझे प्रॉपर बॉडी अच्छे से फील ना होने शुरू हो जाए. लाइक मुझे ऐसा ना लगे कि मेरे जॉइंट्स वगैरह अब कम्प्लीटली लूज़ हो चुके हैं, खुल चुके हैं, मसल्स एकदम वार्म अप हो चुकी है. तो तब तक मैं वार्म अप करता रहता हूँ विच टेक्स मी अराउंड 20 मिनट्स और समथिंग आई गेस. सो या इट्स प्रीटी गुड. लेग डे से पहले स्पेशली लाइक हैमस्ट्रिंग ग्लूट्स की स्ट्रेचिंग करना, और अभी आप देख रहे हैं जैसे मैं स्क्वाट्स करके फुल डेप्थ तक जा रहा था, तो वो चीज़ें करना बहुत ज़रूरी होता है. सो यू कैन फॉलो अप माई स्ट्रेचिंग रूटीन विच आई ऑलरेडी हैव ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो. सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट मूवमेंट, दिस इज़ लेग एक्सटेंशन एंड दिस इज़ जस्ट अ वार्म अप सेट. तो वार्म अप सेट को भी मैं उसी तरह से लगाता हूँ जिस तरीके से मैं अपना लाइक वर्किंग सेट्स ट्रेन करता हूँ. तो मेरी जो फॉर्म होती है वो बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहती है और मैं मसल्स को पूरा फील करने की कोशिश करता हूँ, कंप्लीट रेंज ऑफ मोशन रखता हूँ. तो इसके मैंने लाइक दो वार्म अप सेट्स लगाए थे और दो वर्किंग सेट्स लगाए थे. वार्म अप सेट्स में जैसे कि आप देख रहे हैं 15-20 रेप्स और वर्किंग सेट्स में 10-12 रेप्स रहते हैं. तो वर्किंग सेट मैंने रिकॉर्ड नहीं करे हैं जस्ट सो दैट वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए. एंड ऑल्सो लाइक लेग एक्सटेंशन एंड लेग कर्ल पे वार्म अप करना बिफोर गोइंग टू स्क्वाट्स और लेग प्रेसेस इज़ वेरी बेनिफिशियल अकॉर्डिंग टू मी. इट हैज़ हेल्प मी अ लॉट. सो दिस इज़ लेग कर्ल, लाइंग लेग कर्ल. अगर आपके पास सीटेड है तो यू कैन ऑल्सो डू सीटेड लेग कर्ल, यू कैन डू लाइंग लेग कर्ल, विच एवर इज़ अवेलेबल टू यू. सो लाइंग लेग कर्ल वार्म अप, ओनली वार्म अप सेट, नो वर्किंग सेट इन दिस, ओनली वार्म अप सेट एंड ओनली लाइक वन और टू सेट्स अकॉर्डिंग टू यू. बिकॉज एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट आई डोंट मूव ऑन टू द कंपाउंड मूवमेंट्स अंटिल अनलेस आई एम फीलिंग एवरीथिंग, यू नो, एवरी मसल वर्किंग एंड माई जॉइंट्स आर फीलिंग वेरी वेरी लाइक नॉट स्टिफ. सो आई डोंट एंड माई वार्म अप जस्ट लाइक दैट. बहुत सारे लोग बस थोड़ा बहुत हाथ पैर हिला के वर्कआउट करना स्टार्ट कर देते हैं विच इज़ रॉन्ग. सो दिस इज़ नाउ, पहले मैंने दोनों पैरों से लगाई लेग कर्ल और उसके बाद आई एम डूइंग सिंगल लेग लेग कर्ल राइट नाउ. सो दिस हेल्प्स मी टू आइसोलेट द हैमस्ट्रिंग मोर एंड ऑल्सो यू नो एक्टिवेट माई ग्लूट्स अ लिटल बिट सो दैट इट विल हेल्प मी व्हेन आई एम डूइंग स्क्वाट्स विच इज़ द नेक्स्ट मूवमेंट, द बारबेल स्क्वाट्स. सो आई नेवर स्किप बारबेल स्क्वाट्स इन माई वर्कआउट. सो लाइक I do two heavy sessions of barbell squats in a month and one light session, and in one session I don't do barbell squats at all. I'll either do front squats or hack squats, like not the conventional barbell squats that you'll see in this video. So this was supposed to be my heavy session today, but as you will see aage aap video mein dekhoge कि मैं एक्सप्लेन करूँगा. आई वॉजन्ट फीलिंग वेरी वेल. सो अभी जब मैं ये लाइक वॉइस ओवर भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये वॉइस ओवर भी मैं नेक्स्ट डे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और ये लास्ट वीक की वीडियो है टू बी वेरी ऑनेस्ट. तो मेरे को एक हफ्ता लग गया, लाइक मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी और मेरे को एक हफ्ता लग गया रिकवर होने में. बट डजेंट मैटर, आई एम बैक ऑन ट्रैक and this video is going up right now. So this was my warm-up set for the barbell squats. I only did like 6-8 rep. So I think aaj main bahut zyada heavy nahi ja paunga apne workout mein, kyunki mujhe kuch aisi feeling aa rahi hai ki meri tabiyat kharab hone wali hai. You know what I'm talking about. जैसे लगता है ना, जैसे तबीयत ख़राब होने वाली होती है तो लाइक बॉडी थोड़े से साइंस देने लगती है आपको, आपका शरीर टूटा टूटा लगता है, यू फील लाइक एग्जॉस्टेड. इवन दो कल मेरा कंप्लीट रेस्ट डे था, मैंने कंप्लीट रेस्ट लिया है कल, मुझे रात को भी नींद पूरी मिली है, 8 hours ऑफ स्लीप, और मैंने कल अच्छा खाया भी था, आज भी प्री वर्कआउट मील अच्छे से खा के आया था, उसके बावजूद आई एम फीलिंग वेरी वेरी एग्जॉस्टेड एंड जस्ट टायर्ड ओवरऑल, लाइक मेंटली ऑल्सो. सो आई थिंक दिस इज़ अ साइन
फ्रॉम माई बॉडी दैट आई एम गोइंग टू गेट सिक। वैसे भी ये चेंजिंग वेदर है, लाइक अभी सडनली सुबह सुबह जब मैं जिम आया था तो धूप थी और अभी अचानक से बारिश का मौसम हो गया है। सो ये चेंजिंग वेदर ना मेरी बॉडी थोड़ी सी सेंसिटिव है इस मामले में। सो जब भी ऐसा कुछ चेंजिंग वेदर होता है, सडन चेंज होता है, तो मैं बीमार पड़ जाता हूँ। प्लस मैं अभी लाइक 2-3 डेज वो मसल मेनिया इंडिया हुआ था दिल्ली वाला, तो मैं वहाँ पर था। बैक स्टेज बहुत सारे एथलीट्स थे, इवन स्टाफ मेम्बर्स हुवर लाइक नो मैनर्स एट ऑल मैन। दे वर स्नीजिंग कफिंग विदाउट कवरिंग देयर माउथ। कोई भी अपना लाइक हैंकी या कुछ हाथ से कोई फेस कवर नहीं कर रहा था। एवरीबडी वॉज लाइक ऐसे छींक रहे थे, खांस रहे थे आस पास। अब यू नो एक दो को मना भी किया बट कितनों को मना करता बार बार। ऊपर से आई वॉज होस्टिंग, सो यू नो आई कॉन्ट गो यार खांसो मत जब मैं होस्ट कर रहा हूँ माइक पे। तो मे बी वहाँ से हुआ होगा, मे बी वेदर की वजह से, आई डोंट नो, बट माई बॉडी इज़ टेलिंग मी कि बेटा संभल जाओ, आप बीमार पड़ने वाले हो। और लेग डे वाले दिन ही होना था क्या? और अभी मैं लाइक प्रेप कर रहा हूँ, फैट लॉस फेज में हूँ, तो बॉडी वैसी थोड़ी सी वीक है, यू नो थोड़ी सी हल्की सी रनी नोज हो रखी है। सो बस यही है। तो यू नो आई होप बीमार ना पड़ूँ, बट देखते हैं चलो। एंड सो मूविंग ऑन, दिस वॉज माई सेकेंड वार्म अप सेट। सो आई did 2 working sets in squats also, and usually I do like 1 or 2 working sets only, but since squats is a very like heavy exercise and a very good compound movement, so I go with 2 sets on this particular movement. So this was my second warm-up set, and I did approximately 3 working warm-up sets and 2 working sets. So again, my form is perfect. I make sure that my form, my body feels good. And you know, it doesn't matter if it's a warm-up set, if it's lightweight or heavyweight, I try to keep my form as perfect as possible. So again, I did few reps and then moved on to the third warm-up set. Again, this is a warm-up set, not a working set. The difference between warm-up set and working set is you have to set a weight which you will lift in your working sets. And working set is like your main set, which actually counts. So you have to select a weight. For example, for me it's around 140-150 kgs, and I know that at 140 and 150 kgs I can get around 12 to 15 reps, like very tough. It's a failure rep range for me at that weight. So my working sets always revolve around 140-150 kgs. Sometimes when I'm feeling very very good, they can go up to 160 kgs also, but usually it's around 150 kgs. And warm-up sets are the weight leading up to that particular working set. So I started with 50 kgs, then I added 20 kgs, so it was 70 kgs, then I added 20 kgs more in my third warm-up set, which was 90 kgs. And then this is, I guess, 110 maybe. So this is my first working set, so that's why I am using my knee sleeves and my belt. And I highly recommend that you always wear a weightlifting belt, and if possible also wear these knee sleeves or use like knee wraps. But you know, try to protect your joints as much as possible. And I see a lot of people, you know, just showing off on Instagram and everything, like lifting heavy ass weights but without the weight belt. And you know, youngsters especially, they get motivated or misguided by those videos, and they start lifting without belt, which is very wrong. You have to understand that in order to lift heavy weight without belt, you have to create a very 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 strong core. And a belt will not you know, stop you from building a strong core. A belt will only help you to let you better brace your core so that you are able to lift heavy, whether it's a deadlift or whether it's a squat, it doesn't matter. So you must have seen powerlifters and weightlifters using
वेट लिफ्टिंग बेल्ट्स व्हेन दे लिफ्ट एक्सट्रीमली हैवी वेट. सो दैट्स द लाइक लॉजिक एंड साइंस बिहाइंड इट. द वेट लिफ्टिंग बेल्ट इज़ नॉट एन एनिमी. सो मेक इट योर फ्रेंड, यूज इट इन योर हैवी सेट्स. सो एज यू सॉ, आई डिडंट यूज वेट लिफ्टिंग बेल्ट इन माई प्रीवियस सेट्स विच वर द वार्म अप सेट्स. बट इन माई वर्किंग सेट्स आई नो द वेट इज़ हैवी एंड आई हैव टू लाइक गो टिल फेलियर इन दीज सेट्स. सो दैट्स वाई आई एम यूजिंग वेट लिफ्टिंग बेल्ट, बिकॉज इट हेल्प्स मी ब्रेस माई कोर एंड यू नो मेंटेन माई पॉस्चर, स्पेशली इन स्क्वाट्स एंड डेड लिफ्ट. सो या दैट्स ऑल अबाउट द वेट, द इम्पॉर्टेंस ऑफ वेट लिफ्टिंग बेल्ट. बिकॉज आई सी अ लॉट ऑफ पीपल यू नो आस्किंग मी लाइक इज इट नेसेसरी. ऑफकोर्स इट्स नेसेसरी, डोंट बी स्टूपिड, बिकॉज यू नो एन इंजरी कैन हैपन एट एनी टाइम. आई एम नॉट सेइंग द बेल्ट विल एब्सोल्युटली प्रिवेंट द इंजरी, बट द चांसेस आर वेरी वेरी लेस ऑफ फॉर एन इंजरी इफ यू आर यूजिंग वेट लिफ्टिंग बेल्ट. सो दिस इज माई फाइनल वर्किंग सेट, माई टॉप सेट. आई डोंट नो हाउ मच द वेट इज. दिस इज 40 and 55, 110, 130. या दिस इज 130 केजीज एंड आई विल गो टिल फेलियर. एंड यू नो आई डोंट हैव अ रेप रेंज इन माई माइंड, आई जस्ट गो टिल फेलियर. एंड एज यू कैन हेयर माई ग्रंट्स, इट वॉज वेरी स्ट्रेनिंग इवन एट 130 केजीज ओनली, बिकॉज एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू आई वॉजंट फीलिंग वेरी वेरी वेल ड्यू टू द वेदर मे बी, आई डोंट नो. सो दिस आई न्यू दैट इफ आई डू वन मोर रेप आई विल फॉल, सो आई केप्ट द बारबेल बैक. सो या दिस इज नाउ द वर्किंग सेट्स ऑफ लेग कर्ल, लाइंग लेग कर्ल. अर्लियर दैट वॉज द वार्म अप सेट, नाउ दिस इज द वर्किंग सेट विद लाइक मीडियम टू हैवी वेट अकॉर्डिंग टू मी. ऑफकोर्स एवरीबडीज स्ट्रेंथ वेरीज, सो अकॉर्डिंग टू मी दिस इज हैवी ऑन लाइंग लेग कर्ल आफ्टर स्क्वाट्स. एंड यू नो लाइक डूइंग लाइंग लेग कर्ल बिफोर स्क्वाट्स हेल्प मी एक्टिवेट माई हैमस्ट्रिंग्स बेटर देन डूइंग बारबेल स्क्वाट्स एक्टिवेटेड द हैमस्ट्रिंग्स एंड क्वाड्स इवन मोर. एंड नाउ आई एम डूइंग टू वर्किंग सेट्स ऑफ लाइंग लेग कर्ल, सो दिस इज लाइक एक्चुअली जस्ट destroying my hamstrings. So that's what I intend to do in order to grow. So this was set number one and this is now set number two, and both of these are working sets. And according to the weight I go till failure. I don't care, like I'll drop the weight, I'll do drop sets, I'll do you know different variations, but I will achieve failure no matter what. And this is the philosophy behind my leg training, which I learned from watching the videos of the legendary Tom Platts. So he used to you know achieve failure in every workout. And as you can see, I was doing a static hold at the very end. This was the static hold, like holding the weight in partial range, and then I drop the weight. I will do now drop sets. So 1, 2, 3 drop set based on how much strength you have left for that particular exercise. So I had some strength left. I am using my you know body momentum also a little bit, so I don't give a fuck. So I don't give a fuck really how am I feeling, like my posture is not like A1 in this exercise, but I am isolating my hamstrings pretty well because you know they are already exhausted. So these drop sets are a way to achieve failure for me, because the more I train my hamstrings, which are my weak part in my legs, so the more they'll grow. And as of now I'm not in the growing phase, but still you know I want those hamstrings to show when I am on stage or you know when I'm done with my cut. I want those different muscles, striations on my hamstrings. So this will help me to achieve that. And also like I'm working on my glutes a lot. I've been doing hip thrust also. I didn't do hip thrust in this workout, but I definitely will do it in the next one. So yeah, and this is now my last exercise for the day. I was not feeling very well, so I decided to just do one more exercise, which is the leg press. And well, I'm doing this only because I wanted to, you know, work a little bit more on my quads, which I think could be better, although they are already pretty good, but I want them better. So this is my stance for today's leg press, like feet only shoulder width apart, and knees I have to make sure that my knees don't you know go like
too much apart or like they don't touch either. So I don't want them, I just want them moving in the same plane as my feet. So that's why I was checking my form. My feet are once again shoulder width apart to focus more on the outer side of the quad, outer part, because I want that round look on my quads. So this was my second working set. So I did one like first working set, or you can also call it a warm-up set, because I only did 10 reps on that, and it was around 150 kgs, because my legs were already pretty warmed up, and I was also losing strength, so I didn't want to do too many warm-up sets or too many working sets for this exercise, as this was the last movement. So what I did was I did 10 reps with the 150 kgs, which was my warm-up, and then I moved on to the last set which you're seeing. And this is approximately, I guess, 200 kgs something, 210 maybe. So I did failure. I did failure reps. Like, my limit was around 12, but I pushed myself to achieve failure, which was around 20 reps on this. So as you can see, I'm taking pauses after every rep, because I'm getting tired and I'm more and more tired. So but I have to achieve failure, and I was not feeling very well, so only one set was all I got, and I made sure that I get the most out of it in terms of muscle gain. So this was my last set, last exercise, and after that will come some posing. So you can see how my legs are looking. I am not showing my upper body, only my legs. And after doing the leg press, I was like done. That was it for me. So yeah, here's some posing. Enjoy, and I hope you guys enjoyed this workout, even though it was short, but trust me, it was like really really amazing and really worth it. I was not feeling like 100% well, but I gave my all, and that's what matters. If you're like only at 50%, then do like give all 50% to the workout. That's what matters. If you are feeling 100% and you are giving only 50%, you will only get 50% results. So as you can see, my legs are looking pretty good, even the hamstrings are looking pretty good and round, and cross striations on my quads are already visible. I can't wait for the cut to be over and reveal my ultimate physique. This will be my best form for sure. So yeah, all right, all set. Yeah, I think you guys can see me now. So isko yahi rakh leta hu. So mera workout aap logon ne dekh hi liya, aur abhi main ghar aa gaya hu. Aake main nahaa liya, aur apni post workout meal, not protein shake, जो एक्चुअली लाइक फूड होता है, मैं उसको प्रेफर करता हूँ पोस्ट वर्कआउट मील में. तो सिंस इफ़ यू गाइज आर फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम, सो यू गाइज नो दैट अभी दो तीन दिन से मैं वेजिटेरियन डाइट पे आ गया हूँ, लाइक कम्प्लीटली वेजिटेरियन हो गया हूँ. तो मेरा आज डे 3 है वेजिटेरियन होने का. सो दिस इज़ करेंटली माई मील, एज यू कैन सी, ऐसे दिखा देता हूँ. सो दिस इज़ अभी मेरे पास चावल नहीं है, तो यहाँ पे हमारे पास है 4 रोटी जिन पे घी लगा हुआ है, ठीक है. ये है 100 ग्राम पनीर, एक्चुअली 90 ग्राम्स पनीर है, राजमा है, और मसाला छाछ है, ठीक है. सो दिस इज़ गुड फॉर डाइजेशन ऑल्सो, और बॉडी को लाइक अंदर से ठंडा रखने के लिए. और दिस इज़ इसमें भी होगा लगभग 3 ग्राम प्रोटीन पूरे ग्लास में, बट दिस इज़ नॉट फॉर प्रोटीन, ठीक है. दिस इज़ फॉर गट हेल्थ एंड डाइजेशन पर्पसेस. दिस एंड ऑल्सो दिस, ये है प्रोटीन सोर्सेज, फैट सोर्स एंड कार्ब सोर्स. सो अगेन सेट करते हैं कैमरा. सो पोस्ट वर्कआउट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं कि आपने जो वर्कआउट किया है, तो आप बॉडी को जो ग्लाइकोजन लेवल्स डिप्लीट हुए हैं, आप उसको वापस रिप्लेनिश करें. तो उसके लिए कार्ब्स पोस्ट वर्कआउट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, ठीक है. अगर कोई भी आपको ये बोल रहा है कि इवन आप अगर फैट लॉस फेज़ में हैं, अगर आपके पास पोस्ट वर्कआउट में कार्ब्स नहीं हैं, तो आप नुकसान कर रहे हैं अपना, ठीक है. प्री वर्कआउट में भी कार्ब्स ज़रूरी हैं, बट प्री वर्कआउट में ड्यूरिंग कट, जैसे कि अभी मैं कैलोरी डेफिसिट में हूँ, तो ड्यूरिंग कट मेरी प्री वर्कआउट कार्ब्स थोड़ी सी कम रहती है, बिकॉज ड्यूरिंग वर्कआउट आई वॉन्ट टू बर्न माई बॉडी फैट ऑल्सो, ठीक है. तो मैं ज़्यादा कार्ब्स कंज्यूम करके नहीं जा सकता.
सो व्हाट आई डू इज़ मैं थोड़ी सी कार्ब्स कंज्यूम करके जाता हूँ सो दैट यू नो डिजीनेस ना आए, कुछ ऐसा ना हो और मैं अपना वर्कआउट किक स्टार्ट कर सकूँ. तो एक बार जब वर्कआउट स्टार्ट हो जाता है तो आई गो विद द फ्लो और फिर चलता रहता है. तो वो जो छोटी सी अमाउंट मैंने कार्ब्स खाया है, लाइक इट्स हार्डली अराउंड 25 ग्राम कार्ब्स प्री वर्कआउट में, तो वो तो बहुत जल्दी लाइक फर्स्ट दो एक्सरसाइज में ही बर्न हो जाता होगा एज़ फार एज़ आई एम सीइंग माई बॉडी जैसा रिस्पॉन्ड कर रही है उसके हिसाब से बता रहा हूँ. तो उसके बाद जितना भी मैं वर्कआउट करता हूँ, कार्डियो करता हूँ, व्हाटएवर, मेरी बॉडी फैट बर्न कर रही होती है, ठीक है. वो मेरा गोल है इस समय. पोस्ट वर्कआउट में मुझे अपनी बॉडी को फुलनेस देनी है, तो और पोस्ट वर्कआउट में मेरे लाइक बॉडी सबसे ज़्यादा अब्जॉर्प्शन भी कर पाएगी, तो इसलिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा कार्ब्स, तो अभी जो चार रोटी हैं, इवन राजमा है, इन सब में मिला के आई गेस अराउंड 70-80 ग्राम कार्ब्स में भी होनी चाहिए. लाइक आइडिया लगा रहा हूँ, मैंने सिर्फ माई फिटनेस वैल पे देखा था. तो एक एवरेज जो रोटी होती है उसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली लाइक 14-13 ग्राम कार्ब्स होती हैं, ठीक है. तो मैं 13-14 ही लेके चलता हूँ, 15 ले लेता हूँ कभी कभी बिकॉज हमारे घर में थोड़ी एवरेज से बड़ी रोटी बनती है, ठीक है. और 15 तो 4 या 60 हो गया. और लाइक ये कुक्ड राजमा है जिसमें लाइक ग्रेवी भी है, तो इसमें वाटर वेट भी है, ठीक है. तो इसमें जो कुक्ड राजमा होगी उसके अंदर जो कार्ब्स होंगी वो थोड़ी सी कम होंगी. सो लाइक मान लीजिए आप फिर भी 20 समथिंग, मे बी 25 ग्राम कार्ब्स होंगी, 30 भी हो सकती हैं, मेरी रेंज रहती है क्योंकि वेजिटेरियन डाइट में हूँ तो इसलिए कार्ब्स ज़्यादा हो रही है. तो फिर भी मैं 100 का गोल क्रॉस नहीं करना चाहता, 100 की अंडर ही रहेगी, ठीक है. और मेरे जो थ्रू आउट द डे कार्ब्स हैं वो अप्रॉक्सीमेटली लाइक 250 ग्राम्स आ गई हैं जब मैंने वेजिटेरियन डाइट पे स्विच किया है. अप्रॉक्सीमेटली 250 ग्राम कार्ब्स हैं मेरी अभी इस समय, एंड विच इज़ गुड फॉर मी बिकॉज माई बॉडी रिस्पॉन्ड्स वेल टू कार्ब्स, ठीक है. सो दिस इज़ माई पोस्ट वर्कआउट मील. और मेरी एक्चुअली तबीयत ख़राब हो रही थी जिम के अंदर काफ़ी ज़्यादा, तो इस वजह से मेरा वर्कआउट पूरा नहीं हो पाया. सो आई एम गोइंग टू टेल यू, आई मिस्ड लेग एक्सटेंशन जिसके मैं दो सेट लगाता, लाइक एक उसमें से काइंड ऑफ लाइक वार्म अप सेट कह लो, आप वर्किंग भी मान सकते हो उसको बिकॉज वो भी इंटेंस होता. तो उसके मैं रेप रेंज लगाता 10-12 मे बी 15 रेप्स, बट जो सेकेंड सेट होता वो मेरा एक्चुअली मस्क्यूलर फेलियर के लिए होता, लाइक एब्सोल्यूट फेलियर, ठीक है. तो वो वाला सेट एक्चुअल में काउंट होता. और इसमें मैं वेट बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखता हूँ, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं उठाता हूँ बिकॉज आई एम नॉट इन मसल बिल्डिंग फेज, आई एम इन फैट लॉस फेज. मुझे अपनी मसल्स को सिर्फ काम करवाना है, डिफाइन करना है, मुझे उनको इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट नहीं करना, इतना ज़्यादा ब्रेक डाउन नहीं करना कि लाइक बिकॉज अगर ज़्यादा कर दूंगा कैलरीज आ नहीं रही है अभी तो ग्रोथ नहीं होगी तो मेरा नुकसान है, ठीक है. हमें सिर्फ मसल मेंटेनेंस के लिए काम करना होता है फैट लॉस फेज में, जो बहुत लोग गलती करते हैं. गेनिंग में आप ऑफ सीजन में आप तोड़िए मसल को, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आप एक्सेस कैलरीज भी खाएंगे तो मसल रिकवर कर लेगी. बट फैट लॉस फेज में यू हैव टू रिमेंबर दैट यू डू नॉट गो टू एब्सोल्यूट फेलियर विद हैवी वेट. लाइट वेट के साथ आप थोड़ा बहुत फेलियर तक जा सकते हो. मैं फिर भी अभी 100% फेलियर नहीं गया, 90% फेलियर रहा. और स्क्वाट्स में आपने देख ही लिया मैं ज़्यादा हैवी नहीं जा पाया आज, रेप रेंज मैंने अपनी पूरी करी स्टिल, बट यू नो आई वॉज फीलिंग वेरी डिजी. तो मैंने आके घर पे टेम्परेचर चेक किया, टेम्परेचर ठीक आया, सो आई एम फाइन एज ऑफ नाउ. बाकी बाहर बारिश हो रही है तो हो सकता है बीमार हो भी जाऊँ, कोई बड़ी बात नहीं है, वेदर चेंज होता है तो मेरे साथ होता है ऐसा. एनीवेज, सेकंड एक्सरसाइज जो मैंने मिस करी है वो है हिप थ्रस्ट. हिप थ्रस्ट बहुत अच्छी एक्सरसाइज है आपके ग्लूट्स के लिए, लाइक उनको डिफाइन करने के लिए, और आपके लाइक ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेंथन करने के लिए, सो दैट यू आर एबल टू लिफ्ट हैवी इन डेडलिफ्ट्स एंड स्क्वाट्स. आपके ग्लूट्स स्ट्रांग होने ज़रूरी है, ठीक है. स्क्वाट्स से भी ग्लूट्स स्ट्रांग होते हैं, तो ये सारी एक्सरसाइज यू नो कॉम्प्लीमेंट करती हैं एक दूसरे को. तो और मैंने लास्ट में लेग प्रेस के बाद RDLs भी किए थे 3 सेट, वो मैंने लाइट वेट से लगाए थे, 25-25 रेपिटेशन के 3 सेट लगाए थे. तो वो मेरी लास्ट एक्सरसाइज थी, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं करी है, ठीक है, बिकॉज लाइट चली गई थी और सब लाइटें बंद थी, प्लस मैं आई वॉज़ फीलिंग वेरी एग्जॉस्टेड. तो मैंने कहा बस वर्कआउट ख़त्म करो और चलो, क्योंकि मुझे लग रहा था मैं घर भी नहीं पहुँचूँगा. सो एनीवेज, दिस वॉज द होल वर्कआउट एंड आई एम नाउ अ वेजिटेरियन. सो देखते हैं कैसा होता है, सेकेंड टाइम लाइफ में मैं कम्प्लीट वेजिटेरियन हो रहा हूँ. तो इस बार मेरा प्लान है कि आई विल स्टिक टू इट, ठीक है, आई विल नॉट गो बैक. तो कंपटीशन की बात है तो कंपटीशन की ऐसी कोई अभी मेरी प्रेप है नहीं. आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर मसलमेनिया हैदराबाद जो कि अक्टूबर में है, बट ड्यू टू माय एग्ज़ाम्स जो आने वाले हैं नवंबर में दिसंबर में,
सो आई एम नॉट गोइंग टू कम्पीट इन दैट शो. हो सकता है कि मैं लाइक मसलमेनिया इंडिया जो फाइनल होता है या तो उसमें कम्पीट कर सकता हूँ, या फिर जो मसलमेनिया एशिया है मैं उसमें कम्पीट कर सकता हूँ, बिकॉज वो मेरे एग्जाम्स के लाइक बाद में होगा शो. और अभी मेरे पास टाइम ज़्यादा है तो आई कैन यू नो स्लोली डाइट डाउन एंड स्लोली कट. नहीं तो हैदराबाद वाले शो के लिए मैंने 8-6 weeks का प्लान बना लिया था एंड इट वॉज़ वेरी स्ट्रिक्ट. तो उसमें ना मेरे को एनर्जी बहुत लो लग रही थी और मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा था, सो विच इज़ वेरी रॉन्ग अभी के लिए. ये था. और अभी प्लान फिर कम्पीटिंग का है. हो सकता है कि मैं कम्पीट ना भी करूँ इस साल, कोई बड़ी बात नहीं है, बट आई विल डेफिनेटली गेट इन शेप. तो जो मेरा ये अभी कट चल रहा है, ये कट चलता रहेगा, मैं इसको रोकूंगा नहीं. मैं अपनी डेफिनेटली लाइक बेस्ट शेप में आऊँगा. कम्पीट ना करना या करना वो तब देखेंगे जब कॉम्पिटिशन का टाइम आ जाएगा, बट आई विल गेट बैक इन शेप. और जैसा कि आपने लेग्स की पोजिंग में देख ही लिया होगा, मेरे लेग्स ऑलरेडी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं और थोड़े से और अभी डिफाइन होने बाकी हैं. डेफिनेटली अभी तो जस्ट कट स्टार्ट किया है. सो करंटली माई वेट इज़ आई डोंट नो अराउंड, मॉर्निंग में मैंने चेक किया था तो 88 आया था, 88. ठीक है, तो अभी थोड़ा बहुत खा लूँगा तो थोड़ा बढ़ जाएगा. तो बट एम्प्टी स्टमक मेरा लाइक 88 के आसपास आ रहा है, सो विच इज़ प्रिटी गुड फॉर मी एज अ नेचुरल बॉडी बिल्डर. 88 kgs पे आई एम लाइक डिसेंट लीन, अच्छा खासा है, मसल मास भी अच्छा खासा कैरी किया हुआ है, सो इट्स गुड. बाकी कट करके मेरे को लाइक रहना है 83-84 पे, तो अभी है 4-5 kilo के आसपास मार्जिन. 4-5 kilo मुझे लाइक अप्रॉक्सीमेटली 3-3.5 महीने में मेरे को कट करना है. तो बहुत इजी है, लाइक बहुत इजी. आई डोंट इवन हैव टू यू नो डाइट वेरी हार्ड फॉर दैट. इसीलिए तो रोटी राजमा चल रहा है. इसीलिए मैंने ये भी सोचा कि मैं वेजिटेरियन टर्न हो जाता हूँ. और थोड़ी अंदर से भी आवाज़ आ रही थी बहुत टाइम से, मेरे दिमाग में चल रहा था कि मुझे वेजिटेरियन होना है. सो एक दिन बस फ्लिक कर गया और अभी मंडे से, आज वेंसडे है, मैंने मंडे से शुरू कर दिया अपना वेजिटेरियन डाइट. सो ठीक है, ये था मेरा अभी कम बैक ऑन यूट्यूब. और पूरी प्रोसेस दिखाऊंगा मैं अपनी फैट लॉस वाली. तो स्टे ट्यून्ड एंड कीप एंजॉयिंग द वीडियोस, कीप शेयरिंग, नहीं करते हो तो कर दो, एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, लिंक डिस्क्रिप्शन में है. ठीक है, सो आई विल गेट बैक टू यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो. पीस.